जी बच्चों, आपा पहला भाग जिहड़ा इहदा दूजा निबंध है, इस तो पहला आपा दो पाठ कर चुके हैं, किरत ते गंगा दीन, जिहड़ा कि बूटां नाल काम करदा सीगा। हुण अज आपा पाठ तीजा भाग दूजा निबंध दा पढ़ांगे, अज जुलाई 13 बड़े। इस पाठ दा नाम हैगा फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह, जिहड़ा कि है दौड़ाक दे नाम यानी कि उड़ना सिख दे नाल मशहूर होया है। फ्लाइंग सिख प्रोफेसर सरवन सिंह पंजाबी वार्तक खेत्र दा विशेष नाम है। वह खेड जगत साहित्यक सरगर्मियों नाल निरंतर जुड़िया होया है। पंजाबी दे नामवर अखबारां अजीत, पंजाबी ट्रिब्यून, देश सेवक अते रसालियां विच छपन दे नाल नाल विश्व हॉकी कप विच बतौर कमेंटेंटर दी भूमिका उन्हां नूं वेखला हस्ताक्षर बनाउंदी है। प्रोफेसर सरवन सिंह दा जन्म 8 जुलाई 1940 नूं पिंड चक्कर जिला लुधियाना विखे सरदार बाबू सिंह संधु दे घर होया। मुढ़ली पढ़ाई चक्कर दे मल्ला हाई पिंड दे स्कूल विच प्राप्त कीती। इस उपरंत एम आर सरकारी कॉलेज फाजिलका तो बी ए कीती ते खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुक्तसर तो बी एड ते दिल्ली यूनिवर्सिटी तो उन्होंने एम ए पंजाबी की डिग्री प्राप्त कीती। पढ़ाई उपरंत प्रोफेसर सरवन सिंह ने अध्यापन किते वजों लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज टूडी के लम्मा समा सेवा निभाई, यानी कि उत्थे की है काफ़ी समय तक उन्होंने की किया उन्होंने आपकी सेवा दी, यानी पढ़ाई करवाने की। साहित्य योगदान सदका प्रोफेसर सरवन सिंह श्रोमणी लेखक पुरस्कार नाल भी करतार सिंह धालीवाल अवार्ड अते स्पोर्टम अथॉरिटी इंडिया वालों खेड साहित्य नैशनल अवार्ड आदि मान सम्मान नाल नवाजिया जा चुकिया है। पंजाब के उगे खिलाड़ी खेड संसार खेड जगत विच भारत पंजाबी खिलाड़ी खेड मैदान च ओलंपिक खेडा पिंड की सच चो पंजाब दियां देशी खेडा आदि निबंध संग्रह पंजाबी पाठकों की झोली पा चुके सन। प्रोफेसर सरवर सिंह द्वारा फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह इन्हां दी ही रचना है। इस निबंध विच निबंधकार ने पंजाब के सर्वोत्तम एथलीट मिल्खा सिंह के जीवन बारे उन्हां दी प्राप्तियां दे बारे जानकारी दित्ती है। मिल्खा सिंह सिख कौम का सर्वोत्तम एथलीट है। कोई उस नूं उड़दा सी, कोई दौड़दा बादशाह ते कोई ट्रैक का बाबरोला भी कहिंदा सी। उसदे कायम किए रिकॉर्ड 34 साल बीत जाण मगरों भी कायम हैं। उसने 100 मीटर तो 400 मीटर ते 400 मीटर की अपनी दौड़ का रिकॉर्ड तोड़न वाले नूं ₹1000 देने का इकरार किया होया सी। मिल्खा सिंह पंजाब व्याह विच सारी दुनिया विच मिल्खा सिंह हो गई। वह 70 देशों विच मुकाबले की दौड़ दड़िया। उसनू 82 विचों 89 बार जित प्राप्त हुई। उसने जगत प्रसिद्धि प्राप्त करने लई घट्टो घट्ट 30,000 मील दौड़न का अभ्यास किया। बचपन विच मिल्खा सिंह की जन्म मिति बारे किसी नूं कोई पता नहीं है। उसके पासपोर्ट से उसकी उम्र 20 सितंबर 1935 लिखी है। उसनू केवल इन्ना ही पता है कि उसकी उम्र 20 सितंबर 1935 लिखी हुई है। उसनू केवल इन्ना ही पता कि उस बचपन पछमी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ के पिंड गोबिंदगढ़ विच बीतिया है। फौज विच 1952 विच मिल्खा सिंह फौज विच भर्ती होया। 1953 विच उसनू दौड़ मुकाबलों का पता लगा। उसका कद 5 फुट 6 इंच ते शरीर भी पतला सी। रंग रुटी करने वेले जवाना दियां खेडां होईयां तां मिल्खा सिंह 6वें नंबर ते आया। मिल्खा सिंह तो जदों पुछया कि 400 मीटर किन्ना हुंदा है, जदों उसनू दस्या गया कि यह ट्रेक का एक चक्कर हुंदा है तां उसने कहा यह तां वह 10 चक्कर ला सकता है। उसके उस्ताद ने कहा कि एक चक्कर विच ही 10 चक्कर जिन्ना जोर ला देता है। मिल्खा सिंह ने इस तरह ही किया तो वह कंपनी विचों 1 मिनट 3 सेकंड का समा लैके फर्स्ट आ गया। इस जित नाल वह दिन रात अभ्यास कर लगा और रात दिन अभ्यास कर लगा तो रात में जो उसके साथी सो जाते तो वह हनेरे विच भी दौड़न का अभ्यास करता तो थक जाता तो तंबू में आके वापस हौली हौली समुची फौज के दौड़ मुकाबलों में प्रथम आन लगा। कई बार वह दौड़ते दौड़द बेहोश भी हो जाता पर उसने अपना हौसला नहीं छड़िया। मेलबोर्न ओलंपिक खेडा 1956 में मेलबोर्न दी ओलंपिक खेडा लई मिल्खा सिंह भारतीय टीम वालों चुनिया गया। उत्थे भावें वह हार गया पर अगों लई भी नवा उत्साह लैके परतिया। वह होर मेहनत करन लगा। तीजियां एशियाई खेडा 1958 में टोक्यो दे विच होईयां। मिल्खा सिंह सब तो तकड़ा एथलीट सिद्ध होया। 200 ते 400 मीटर दियां दौड़ां विच उसने नवे रिकॉर्ड स्थापित किए। इत्थे उसने पाकिस्तान के दौड़ाक अब्दुल खालिक नूं हरा के विश्व विच प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसनों बेहद प्यार ते वाहवा प्राप्त हुई। जापान के शहनशाह ने उसनों इनाम भी दिता। अगले दिन सारी दुनिया विच मिल्खा सिंह हो गई ते जुड़े वाले एथलीट दियां फोटो सारी दुनिया दियां अखबारां विच भी छप गई। कॉमनवेल्थ खेडां उस साल कार्डिफ विखे कॉमनवेल्थ देशों दियां इकाइयां होईयां। मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ विच फस्ट रहा। मलका बरतानिया ने उसनों नेड़े होके वेख्या। फिर एक बार शहजादी एन बग्गी रुकवा के उस सड़क से तुरे जाते हुए मिली। फ्लाइंग सिंह इटिप पाकि मीट मेंटगोमरी विच होई। उत्थे मिल्खा सिंह इंचा दी थां मीटरां दे फर्क नाल ही फर्स्ट आया। तां अनाउंसर कहन लगा यह फासला मिल्खा सिंह ने दौड़ के नहीं उड के
पूरा किया है। इस करके मिल्खा सिंह नूं फ्लाइंग सिख कहना चाहिदा है। उस तो पिछे उस नूं होर भी कई पुरस्कार ते इनाम भी मिले, जिस विच भारत सरकार दा पद्म श्री ते अमरीका दी हेरमेज ट्रॉफी भी शामिल है। 1960 दी ओलंपिक खेडां विच ओलंपिक खेडां इटली 1960 दे शहर रोम विच होईयां सन। 400 मीटर दौड़ दा ओलंपिक रिकॉर्ड 45.9 सैकेंड विच पूरा कर चुका सी ते 200 मीटर दी दौड़ 20 सैकेंड विच ही। रोम जाण तों पहलां जर्मनी विच उसने विश्व चैंपियन काफमैन नूं हराया। स्वीडन विच उसने 400 मीटर दी दौड़ विच 45.9 सैकेंड विच पूरी कर दित्ती। पैरिस विच उसने 45.8 सैकेंड टाइम लाया। रोम विच 400 मीटर दौड़ दे फाइनल विच पुज गया ते सारी रात बेचैन रहा। जदों इह इतिहास दौड़ शुरू होई तां पहले 250 मीटर तक तां अगे रहा, पर मगरों उस दे मन विच ख्याल आया कि उह तां खतरनाक हद तक तेज दौड़ रहा है। इस ख्याल नाल उह अजिहा हौली होया कि चौथे नंबर ते ही रह गया, पर उसने दौड़ 45.9 सैकेंड विच पूरी करके ओलंपिक रिकॉर्ड भी मात पा दित्ती, यानी कि उन्होंने हरा दिता। हुण भी जदों मिल्खा सिंह इस दौड़ का जिक्र करता तो कहिंदा है कि 250 मीटर उत्ते कीती गलती का सदमा उसनू सारी उम्र ही रहेगा। रोम की दौड़ मगरों मिल्खा निराश हो गया सी, क्योंकि उसने दौड़ जितने लई पूरी तान लाई सी ते उह कई बारी बेहोश भी होया सी। बूट किल्ली उत्ते टंगने बेशक उह निराश हो चुका सी, पर उसने दौड़ना फिर भी जारी रखा। 1962 विच जकार्ता दीआं चौथियां एशियाई खेडां विच उसने सोने दे तमगे जीते, और 1964 विच टोकियो विखे तीजी वार जदों ओलंपिक खेडां होईयां उहने भाग लैण मगर उसने दौड़ तौली दा कह के अपने जो किल्लां वाले बूट पांदा सी उह सदा लई किल्ली दे उत्ते टंग दित्ते, जो अज वी वंगा रहे हन। आओ जवानों कोई नितर के वेखाओ। खेल विभाग दा डायरैक्टर मिल्खा सिंह फौज विच जमादारी दा अहुदा प्राप्त कीता, और पंजाब सरकार ने उसनू पहला खेडां दा डिप्टी डायरैक्टर ते फिर डायरैक्टर नियुक्त भी कर दिता। अज कल वह रिटायर होकर चंडीगढ़ शहर जड़ा है उन्दे विच रह रहा है। इस तरह अपने उसने की है खेल दा तमगा प्राप्त किया। हुण आपां इसके कुछ संखेप जे प्रश्न उत्तर करांगे। पहला है बहुते संखेप प्रश्नों के उत्तर विचों, मिल्खा सिंह दे कायम किते रिकॉर्ड किन्ने साल बीत जाण ते भी कायम हन, यानी मिल्खा सिंह दे रिकॉर्ड जिहड़े पए आ किन्ने साल बीतन ते है, 34 साल बीत जाण ते भी ओह कायम हन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2 है, मिल्खा सिंह होरी किन्ने भरा ते भैण सन, मिल्खा सिंह होरी 5 भरा ते 3 भैणां हन। प्रश्न नंबर 3 है, तीजियां एशियाई खेडां कदों ते किथे होईयां सन, यानी जो एशियाई खेडां होईयां सन ओह किथे होईयां सी, 1958 विच होईयां सी ते किथे सी होईयां, टोक्यो शहर दे विच होईयां सी। प्रश्न नंबर 4 है, मिल्खा सिंह नूं केड़ा खिताब प्राप्त सी, मिल्खा सिंह नूं फ्लाइंग सिंह दा पाव यानी कि उड़ना सिंह दा खिताब प्राप्त सी जदों ने जिस अनाउंसर ने कहा सी कि इसने दौड़ के नहीं उड़ के प्राप्त कीता तां उस नूं की है फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह उड़न दा खिताब प्राप्त होया सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, केड़ी दौड़ पिछों मिल्खा सिंह उदास हो गया सी, जदों ओह रोम दी दौड़ दे विच गया सी तां उस दौड़ दे पिछों की है ओह उदास हो गया सी। प्रश्न नंबर 6, मिल्खा सिंह ने 2 सोने दे तमगे कदों प्राप्त कीते सन, यानी जिते कदों सन, 1962 विच जकार्ता जिहड़ी चौथियां एशियाई खेडां होईयां सी उस दे विच उसनूं सोने दे तमगे जिहड़े की है जिते सन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, मिल्खा सिंह दी आखिरी दौड़ केहड़ी सी, यानी कि जदों उसने आखिरी दौड़ कीती सी तां ओह केहड़ी सी, टोक्यो दी ओलंपिक दौड़ जिहड़ी कि मिल्खा सिंह दी आखिरी दौड़ सी। अज अपने ये प्रश्न संखेप वाले पूरे हो चुके हैं, आपां ने काम पूरा कापियां ते करना है।